वज्रासन। इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। यह आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया यह आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपके मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव से भी निवारण होता है।